द सड़कनामा की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ऐसा मैं पहले तो अपनी खापों की तरफ से बताऊंगा। खापे जो ना समाज का ही एक अंग है, 36 बिरादरी की नुमाइंदगी करता खाप का अध्यक्ष जो भी होता है। तो मेरे पास जो ना काफ़ी टाइम से 1.5 महीने से जो है ना ये मुहिम लोगों ने चला रखी थी और पूरा प्रेशर था हर प्रधान पे, भले ही राजनीतिक विचार किसी के कहीं रहे हों किसी के कहीं रहे हों, पर देवीलाल फैमिली से जो है ना हर लोग जो है ना जुड़ा रहा है और राजनीतिक वंशज मानते हैं लोग कि भी ये राजनीतिक परिवार रहा है जिन्होंने हरियाणा को जगाया है। तो सभी खापों ने जो है ना मीटिंग हुई थी हमारी और कल दही अखाप भी इकट्ठी हुई थी, उन्होंने कहा कि आप इस बात में आगे बढ़ें और खापों का जो सहयोग चाहिए उत्तर भारत की सभी खापे जो है ना इस बात के लिए तैयार हैं। अभय जी ने पहले 26 तारीख को भी जो है ना समाज के लोगों के सामने कहा था, उस टाइम खाप के अध्यक्ष हम नहीं पहुँचे थे यहाँ पे। तो अब जैसे ही इधर से विचार सुधर आए हैं तो पूरे समाज ने सोचा कि बात बहुत नज़दीक है और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहूँगा, मुझे पता वो परिवार भी मान जाएगा और राजनीति अपनी जगह चलती रहेगी, पर खापों का एक वर्चस्व रहा इस बात के लिए, वे किसी भी फैमिली को टूटते हुए नहीं देख सकती वो, और इनको जरूर जोड़ेंगे। वो किसान आंदोलन वालों का, खापों का ये है कि वो इस परिवार को जो ना ज्वाइंट करेंगे। राजनीतिक विचार तो भिन्न भिन्न हो सकते हैं, खुली छूट जो है ना समाज देखो खापा तो खा पंचायत जो है ना उसमें बहुत बुद्धिजीवी लोग होंगे, उत्तर भारत के सभी अध्यक्ष पहुंचेंगे उसमें। अगर बात 5 तारीख को बन जाती है तो ठीक है हरियाणा से, नहीं तो एक बार उत्तर भारत को इकट्ठा करके और उन सभी पंचों से जो है ना एक बार इस परिवार को दोबारा से रूबरू करेंगे और उम्मीद है मुझे कि भी ये परिवार जो है ना इकट्ठा जो है ना अपने राजनीतिक करियर को बना के रखेगा। मुझे 26 तारीख को मिले थे, कोई 50 से ज़्यादा लोग थे जो सामाजिक तौर पर प्रदेश के लोगों की बात को करते हैं। उन्होंने मुझे उस वक़्त आकर के इन सब बातों को मेरे सामने रखा था और मैंने उनको उसी दिन कहा कि मैं हमेशा समाज का सम्मान करता हूँ, आप जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। आज भी मैंने उनसे यही बात फिर दोहराई है कि मुझे अगली किसी तारीख पे आपको बुलाने की ज़रूरत नहीं, आप अपना फैसला करो और आप अपना फैसला सुनाओ, जो फैसला आप करके आओगे मुझे वो आपका फैसला मंजूर है, चाहे कोई आप उसमें जो महागठबंधन की बात करते हो उस पर अगर आकर के मेरे से चर्चा करोगे तो सहमत हूँ, और कोई और जिस मिशन को लेकर के बढ़ रहे हो मेरी तरफ से उसमें किसी किस्म की कोई अड़चन नहीं आई। यानी आपने सारा फैसला पंचायत पर प्रतिनिधियों पर छोड़ दिया, आपकी तरफ से जो फैसला वो करेंगे मंजूर है। मैंने ये फैसला अजय सिंह पे भी छोड़ा था, मैंने अजय सिंह जी को अब जब आए हुए थे उस वक़्त ये बात कही थी कि आप एक बारी अपनी जबान से सार्वजनिक रूप से कहो कि भाई अजय सिंह को ये करना है और ये मेरा आदेश है। वो तो जब मैंने उन पे छोड़ दी तो पंचायत पे तो मान के चलो मेरे पास चल करके आए, लोगों का मान सम्मान करना मेरी बड़ी जिम्मेवारी है। अब फैसला उन्होंने ही करना है कि वो क्या फैसला करेंगे, मेरी तरफ से किसी किस्म की कोई अड़चन ना पहले थी ना आज है ना आगे रहेगी। त्याग की बात की, कुछ बता रहे थे कुछ त्याग के लिए भी आप तैयार हैं, कुछ ऐसा? मैंने अजय सिंह को ये कह दिया था, इस बात के 100 से ज़्यादा गवाह हैं, मैंने उनको सब लोगों के बीच में सार्वजनिक रूप से ये बात कही थी कि आप अपनी जबान से जो फैसला करोगे मुझे वो फैसला मंजूर है। सर अब ये क्या कहना चाहेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों को दोनों परिवारों को एकजुट होना, सामने वाली जमीन हकीकत की जरूरत है, पब्लिक डिमांड है, हरियाणा विधानसभा चुनाव में अगर दोनों राजनीतिक पार्टी एक साथ आती हैं तो मैंने तो जो पब्लिक की बात है उस पर मोर लगा दी, अब उनका काम। तो आप साफ तौर पर उनको कहते हैं कि निमंत्रण देते हैं कि आप क्यों तीसरी बात कर रहे हो, जो लोगों ने फैसला करना है समाज के बैठ के वो करेंगे और वो ही इस बात को उनसे बातचीत करके तय करेंगे। आप तो यूं ही बिना मतलब अड़ंगा लगा रहे हो।